दोस्तों इस वीडियो में हम बेसिक शेप को बनाना सिखाएंगे, जो कि आपके सामने बेसिक शेप कुछ दिए गए हैं। इन शेप्स को आज बनाना सीखेंगे, तो आइए वीडियो में एग्जांपल के साथ समझते हैं। सबसे पहले आपको रेक्टेंगल ड्रा करना होता है। रेक्टेंगल को आप ड्रा करते हैं, रेक्टेंगल को हम यूनिट के साथ बनाएंगे। यूनिट के साथ बनाने के लिए सबसे पहले आप फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करते हैं, इसके बाद इसकी दूरी देते हैं। जैसे आपको 5x5 का देना है तो 5.5 लिखते हैं, एंटर दबाते हैं, ये 5x5 का रेक्टेंगल बन जाता है। पूरा ऑब्जेक्ट लाने के लिए आपको जूम ऑल करना होता है, जिसके लिए हम दबाते हैं जेड इंटर ए इंटर, जिससे आपके ऑब्जेक्ट जूम ऑल हो जाती है। ऑब्जेक्ट को सेंटर में लाने के लिए हम पैन के थ्रू इसको बीच में लाते हैं, पैन के लिए हम पी दबाते हैं और एंटर दबाते हैं। इसके बाद माउस से आप पकड़ कर बीच में इसको ला सकते हैं, इसके बाद एंटर दबाते हैं, जिससे आपकी पैन छूट जाती है। नेक्स्ट ये ऑब्जेक्ट आपकी एक में जॉइंटेड है, जिसे हम एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करने के लिए हम यहाँ से एक्सप्लोर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एंटर दबाते हैं, जिससे आपकी ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर होकर अलग अलग लाइन टूट जाती है। इसके जूम बढ़ाने के लिए हम जेड दबाकर एंटर दबाते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट को रेक्टेंगल में सेलेक्ट करके क्लिक करते हैं, जिससे ऑब्जेक्ट की जूमिंग बढ़ जाती है। इसे ऊपर करने के लिए पेन का यूज़ करते हैं, पेन पकड़ कर थोड़ा ऊपर आप कर लें। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की एक ऑफसेट हमें सेट करनी होती है, जिसे 1.5 पॉइंट में सेट करना होता है। तो ऑफसेट सेट करने के लिए ओ दबाते हैं, एंटर दबाते हैं, जिससे आपकी ऑफसेट सेलेक्ट होती है। नेक्स्ट आपके 1.5 आप दूरी लेकर एंटर दबाते हैं। आप ऑब्जेक्ट फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट करके आप इधर क्लिक करते हैं, सेकेंड लाइन को इस तरीके से चारों लाइन को हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट हम आर्क को ड्रा करेंगे। आर्क को ड्रा करने के लिए आप आर्क को सेलेक्ट करते हैं। आर्क सेलेक्ट करने के बाद आप ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट पर क्रॉस की तरफ क्लिक करते हैं। अगर ये येलो सिंबल शो नहीं करता है, तो इसके लिए हम F3 से इसे हम ऑन ऑफ करते हैं। F3 अगर आप दबाते हैं तो स्नैप ऑफ हो जाती है, फिर F3 दबाते हैं तो स्नैप ऑन हो जाती है। वो स्नैप आप ऑन कर लें। ऑन करने के बाद आप फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करें, जैसे येलो सिंबल आपकी शो करती है। फिर सेकेंड पॉइंट पर क्लिक करें, सेकेंड पॉइंट क्लिक करके और F8 आप दबा लें। F8 दबाने से क्या होता है कि आपकी ये जो ऑब्जेक्ट जितना रोटेट हो रहा है, गोला घूम रहा है, ये आपके F8 दबाने से एकदम सीधा हो जाता है। F8 दबाकर आप क्लिक करें, इस तरीके से आपकी ये एक पॉइंट बन जाती है। फिर सेकंड पॉइंट बनाने के लिए सेम आप आर्क सेलेक्ट करें, फर्स्ट पॉइंट क्लिक करें, सेकंड पॉइंट क्लिक करें, फिर आप सीधे वही थर्ड पॉइंट एंटर दबाने से जो टूल आप लास्ट टाइम लिए होते हैं, एंटर दबाने से वो टूल वापस ले लेता है और वो टूल आपका वापस काम करने लगता है। इस तरीके से फिर यहाँ थर्ड पॉइंट में यहाँ भी आप बना लें, फिर एंटर दबाएं, आर्क टूल सेलेक्ट हो जाता है, फिर आप यहाँ से बना लें। इस तरीके से करके चारों तरफ से आप इसको बना लेते हैं। आर्क बनाने के बाद इसको हम ट्रिम करेंगे। ट्रिम करने के लिए हम TR लिखते हैं, TR लिखकर एंटर दबाते हैं। TR इंटर दबाने से ट्रिम आपकी ले लेते हैं। फिर एक बार और इंटर दबाते हैं, जिससे आपकी ट्रिम कट होती है। आप लाइन पर क्लिक करें, जिससे लाइन आपकी कट होती जाती है। तो इस तरीके से क्लिक करके सभी ऑब्जेक्ट को आप काट लें। इसके बाद आपकी लाइन की जो कट है, ये लाइन के साइड की काट लें। इस तरीके से क्लिक करके सारे को हम काटते हैं। लाइन के कट होने के बाद बीच में जो भी आपकी ड्राइंग बनी होती है, इसको हम डिलीट करेंगे। नेक्स्ट एंटर दबाएं। अब इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट करें, चारों लाइन को आप सेलेक्ट करके और कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दें, जिससे ऑब्जेक्ट आपकी डिलीट हो जाएगी। ये डिलीट कर दें। इस तरीके से ये बेसिक शेप, फर्स्ट आपकी शेप ये हमने बनाया। नेक्स्ट हम दूसरी शेप बनाएंगे, ये सेकेंड वाली, जो कि सेकेंड बहुत आसान है। इसे रेक्टेंगल बनाकर क्रॉस कर देते हैं। पेज को मूव कराने के लिए आप पेन का यूज़ करते हैं, पी दबाकर एंटर दबाते हैं और पेज को अपने हिसाब से मूव करा लेते हैं। फिर एंटर दबाते हैं तो पेन टूल आपकी छोड़ देता है। नेक्स्ट हम रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे। रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के लिए REC का यूज़ करते हैं। REC लेकर एंटर दबाते हैं तो रेक्टेंगल सेलेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट आप ऑब्जेक्ट का रेक्टेंगल ड्रा करें। रेक्टेंगल सपोज आपको 3x4 का बनाना है, तो आप लिखें 3.3 या 2 का ही बनाते हैं, 3x2 का बनाते हैं, 3.2, एंटर। यह आपकी ऑब्जेक्ट बन गई। इसे मूव कराने के लिए आप इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद लाइन यहाँ से पकड़ कर इसे खींच कर आप मूव करा सकते हैं। नेक्स्ट लाइन टूल का यूज़ करके हम बीच में क्रॉस बनाएंगे। लाइन को सेलेक्ट करके इस कॉर्नर पर क्लिक करते हैं, फिर इस कॉर्नर पर क्लिक करते हैं, या आपकी लाइन बन जाती है। एंटर दबाते हैं, फिर एंटर दबाते हैं तो लाइन टूल वापस सेलेक्ट हो जाता है। हमने बताया कि लास्ट टाइम जो टूल का यूज़ हम करते हैं, एंटर दबाने से वो टूल वापस ले लेता है। इस तरीके से करके हम लाइन टूल के थ्रू क्रॉस बनाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पर यहाँ क्लिक करते हैं, फिर ये सेकंड पॉइंट पर यहाँ क्लिक करते हैं, एंटर दबाते हैं। इस तरीके से क्रॉस हमारी बन गई।
नेक्स्ट लाइन में आपको ये लाइन ड्रॉ करना है, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आप ये लेते हैं, सेंटर में आप देखते हैं तो यहाँ पर आपकी लाइन नहीं बनती है, तो इसकी एक टेक्निक होती है, जैसे आपकी येलो सिंबल शो करती है तो माउस बटन यहाँ लाकर एक बार टच कराते हैं, टच कराकर माउस को नीचे लाते हैं तो ये देखिए एक्स बनकर आपका आ रहा है, इसका लाकर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो यहीं से आपकी लाइनिंग ड्रॉ होती है। नेक्स्ट लाइन की जो दूरी आपको देना है, लाइन की दूरी 0.5 देना है, 0.5 देकर एंटर दबाएं। नेक्स्ट नीचे आपकी दूरी 0.8 देना है तो 0.8 दबाएं और एंटर दबा दें, फिर एंटर दबा दें तो ये आपकी ऑब्जेक्ट बनकर ओके होगी। नेक्स्ट थर्ड शेप हम ये बनाएंगे, इसके लिए फिर पेन से हम ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे, पेन दबाएं, पी इंटर, पेज को हम थोड़ा सा मूव कराते हैं, मूव कराने के बाद एंटर दबाते हैं जिससे आपकी पेन टूल छोड़ देती है। नेक्स्ट इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए सेम वही रेक्टेंगल का हम यूज़ करेंगे, रेक्टेंगल को आप सेलेक्ट करें, रेक्टेंगल सेलेक्ट करके फर्स्ट पॉइंट पर आप क्लिक करें, फर्स्ट पॉइंट क्लिक करने के बाद आप लाइन की दूरी भर दें, इसमें आपकी दूरी देनी है 3x2, तो सेम वही काम आप पहले दें 3x2, इसका एंटर दबा दें तो 3x2 की आपकी ऑब्जेक्ट बन गई। ये ऑब्जेक्ट जॉइंट है जिसे तोड़ने के लिए हम एक्सप्लोड का यूज़ करते हैं, तो एक्सप्लोड के लिए सेम वही आपकी एक्सप्लोड यहाँ दी हुई है, या कीबोर्ड से एक्स दबाकर एंटर दबाते हैं जिससे एक्सप्लोड सेलेक्ट होता है, फिर आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं एंटर करते हैं जिससे आपकी ऑब्जेक्ट टूट जाती है। नेक्स्ट ऑफसेट टूल्स के थ्रू हम ऑफसेट लगाएंगे, तो ऑफसेट सेलेक्ट करें, एंटर दबाएं, ऑफसेट में आपको सपोज 1 इंच की ऑफसेट देनी है तो 1 लिखकर एंटर दबाएं, इस ऑब्जेक्ट को पकड़कर आगे की तरफ कॉपी कर लें, इसे इधर कॉपी कर लें, इसे इधर कॉपी कर लें, इस तरीके से आपकी तीनों तरफ ऑब्जेक्ट कॉपी होगी। नेक्स्ट इस पर हम आर्क बनाएंगे, आर्क को सेलेक्ट करें, आर्क को सेलेक्ट करने के बाद आपकी फर्स्ट पॉइंट क्लिक करें, फर्स्ट पॉइंट क्लिक करने के बाद सेकंड पॉइंट क्लिक करें, ये आपकी लाइन एकदम देखते हैं तो एकदम सीधा आता है, तो टेढ़ा करने के लिए वही F8 बटन का हम यूज़ करेंगे, F8 दबाते ही फिर आपकी ये लाइन टेढ़ी हो जाती है, F8 के थ्रू इसको टेढ़ा कर ले, फिर इसे हम क्लिक करके यहाँ बना सकते हैं। नेक्स्ट फिर आर्क का यूज़ करते हैं, आर्क सेलेक्ट करते हैं, आर्क सेलेक्ट करने के बाद आप इधर फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करें, इधर सेकेंड पॉइंट पर क्लिक करें, फिर आपके थर्ड पॉइंट पर क्लिक करें, इसके बाद इस लाइन को हम ट्रिम करेंगे, ट्रिम करने के लिए TR लिखकर एंटर दबाते हैं और जिससे काटना होता है उसके ऊपर क्लिक करके हम काट देते हैं, TR लिखकर एंटर, फिर एक बार और एंटर दबाना होता है, इसका लाइन को हम सेलेक्ट करके काट देते हैं, इधर की दो लाइन काटनी होती है, इधर क्लिक करके ये काटते हैं, इस पर क्लिक करके ये काटते हैं, इसे काटते हैं, इसे काटते हैं, इसके बाद अंदर के जो भी लाइनें होती है इसको सेलेक्ट करके हम डिलीट करते हैं, तो इसको सेलेक्ट करके नॉर्मल और कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाते हैं, ये ऑब्जेक्ट आपकी डिलीट हो जाती है। इस तरीके से बेसिक शेप्स को हम बनाते हैं। ये तीनों ऑब्जेक्ट्स में ये रेक्टेंगल बनाकर आपको आर्क बनाना होता है, इसे भी बनाना बता देते हैं, इसके लिए आप लाइन को सेलेक्ट करते हैं, इसे पहले इसे हम मूव कराते हैं, मूव कराने के लिए पेन टूल का यूज़ करते हैं, पेन लेते हैं, इसे मूव कराते हैं। नेक्स्ट हम लाइन को सेलेक्ट करते हैं, लाइन को सेलेक्ट करने के बाद पहला हम लाइन खींचते हैं, इधर से F8 दबा दें जिससे लाइन आपकी सीधी खींचेगी, F8 दबाकर सीधा लाइन हम खींचते हैं, 2 इंच की एंटर दबाते हैं, फिर दोबारा एंटर दबाकर दूसरी लाइन हम खींचते हैं, इसके पैरेलल यहाँ पर लाइन खींचते हैं, इसकी हाइट भी हम दे देते हैं 2 इंटर। इस तरह से फिर आपको आर्क बनाना होता है, आर्क को सेलेक्ट करते हैं, आर्क को सेलेक्ट करके फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट पर क्लिक करते हैं, इसके बाद F8 दबाकर हम ऑब्जेक्ट को जितना घुमाना हो तो उतना घुमा सकते हैं, फिर सेम फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करते हैं, सेकेंड पॉइंट पर क्लिक करते हैं, फर्स्ट सेकेंड पर क्लिक करके, और फिर इसे भी हम अपने हिसाब से घुमा लेते हैं, लास्ट में TR लिखकर इंटर दबाते हैं और इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करके हम काट लेते हैं, इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट बन जाती है। तो दोस्तों इसका यूज़ करके और आप अपने बेसिक शेप्स को अपने हिसाब से बना सकते हैं। पूरे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम जूम ऑल करते हैं, जिसके लिए हम Z इंटर करते हैं और A इंटर करते हैं, जिससे आपकी जूम ऑल हो जाती है। पेज के बीच में लाने के लिए पेन का यूज़ करते हैं, जो कि P दबाकर इंटर करते हैं और ऑब्जेक्ट को बीच में हम खींच कर लाते हैं। सभी ऑब्जेक्ट की जूमिंग बढ़ानी होती है अगर, तो Z दबाकर इंटर करते हैं और ऑब्जेक्ट को रेक्टेंगल में सेलेक्ट करते हैं, घेरे में सेलेक्ट करके क्लिक करते हैं, जिससे सबकी आपकी जूमिंग बढ़ जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों बेसिक शेप को हम ड्रा करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि इसका दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। इसके साथ साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद।